ॐ सङ्गच्छ्वं संवदध्वं सन् बोमनां सि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं यह संदेशा देना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा का उपदेश है साथ मिलकर चलो और सभी को ज्ञानी बनने की बात है सभी को ज्ञानी बनने का उपदेश परमपिता परमात्मा ने दिया है अज्ञानता के लिए मनुष्य समाज में कोई गुंजाइश नहीं है मनुष्य उसी को ही कहा जाता है जो ज्ञानवान है इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा मत्वा कर्मणि सिब्बते मनुष्य वही है जो ज्ञानवान है विचार पूर्वक काम करता है बुद्धि से काम लेता है बुद्धि के अनुसार हर एक चीज को परख करके बुद्धि के कसौटी पे जो करता है उसी का नाम मनुष्य है अभी अभी एक वीडियो मैंने अपने लेखनी के माध्यम से आप लोगों को दिया हूं या आप लोगों तक पहुंचाया हूं जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि महेंद्रपाल आर्य को जवाब लिखा है डॉ जाकिर नाइक 2016 हजार सोलह और फोटो भी डॉक्टर जाकिर नाइक का ही लगाया हुआ है और बोल रहे हैं कोई इमरान अंसारी खैर ये अंसारी होंगे या पंसारी होंगे वो तो अपने पास ही हैं लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जो मनुष्य सत्य के आधार पर अपने को मनुष्य कहलाने का अधिकारी बना तो वो मनुष्य तो कहां चला गया इन लोगों के अंदर से सच के बजाय झूठ को उजागर कर रहे हैं नाम लिया जा रहा है महेंद्रपाल का फोटो दिखाया जा रहा है जाकिर नाइक का जवाब महेंद्रपाल को जाकिर नाइक दे रहे हैं ये लिखा जा रहा है और महेंद्रपाल को बोल रहे हैं कोई इमरान और वो बोल क्या रहे हैं वो भी आप लोगों ने देखा कि झूठ का पुलिंदा बना करके दुनिया वालों को सुना रहे हैं जाकिर नाइक का नाम और फोटो इसलिए दिया कि लोग उसके उसको उत्साह उस से देखेंगे कोई देखे और ना देखे इस्लाम वाले तो देखेंगे तो महेंद्रपाल को जवाब दिया बाप रे बाप अब महेंद्रपाल को जवाब देने के लिए आज तो तैतीस साल हो गया है मुझे आज तक कोई जवाब दिया ही नहीं न जवाब देने की हिम्मत है इन लोगों के अंदर में। ये सब तथा कथित आलिम है डॉक्टर जाकिर नाइक तो विशेष करके इस्लामिक स्कॉलर है ही नहीं है वो तो महज एमबीबीएस डॉक्टर है जिनको मैंने एमबीबीएस मुन्ना भाई भी कह रखा हूं अब इस इमरान पंसारी की बुद्धिमत्ता ये इमरान अंसारी कह रहे हैं कि मैंने महेंद्र पाल की विधता को खा वेद पुराण रामायण महाभारत ये जानते हैं कि नहीं मुझे संदेह है वो मैं नहीं जानता पर तू नहीं जानता तो बोल क्यों रहा भाई क्या यह जरूरी है कि जो नहीं जानते हैं वही बोले अब इसकी इससे भी इसकी अकलमंदी की पैमाइश को आप विश्ववासी नाप सकते हैं अब जो मान्यता हमारी नहीं है वो उसी को ही बोल रहे हैं हमने सूरज का निगल जाना हनुमान जी का वैदिक सिद्धांत के आधार पर न कभी माना है और न मानने योग्य बातें हैं न कहीं मानने की बात की है बल्कि मुशफिक सुल्तान से जो वार्ता हुई मुशफिक सुल्तान ने चांद का टुकड़ा होना सही माना और ये इमरान खान इमरान अंसारी भी कह रहा है ये वो कुरान में है हदीस में है इसलिए हम मुसलमान होने के नाते उसको हम सच मानते हैं और शीर्षक क्या दिया है कि इस्लाम महेंद्रपाल आर्य कह रहे हैं कि इस्लाम अंधविश्वासी है तो अंधविश्वासी है या नहीं है कि तुम खुद विचार करके देखो ना इमरान मिया तुम तो हमारे पुत्र के समान हो तो तुम्हें तो कम से कम ये विचार कर लेना चाहिए कि चांद का टुकड़ा होना तुम कह रहे हो कुरान और हदीस में है इसलिए हम मानते हैं लेकिन वो दिमाग से माना जाना संभव है या नहीं इस पर कभी चिंतन और विचार किया है क्या और मैं फिर चुनौती दे रहा हूं यद्यपि कई बार यह चुनौती मैं दे चुका हूं कि ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होना संभव नहीं है क्या चांद की बात कर रहे हो क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए सामान का नकल नहीं बना सकता मानव क्योंकि मानव का दायरा छोटा है परमात्मा का दायरा बड़ा है परमात्मा सर्वज्ञ है परमात्मा को कुरान वाले नहीं जानते हैं अगर कुरान वाले परमात्मा को जानते होते तो उस कुरान जो जाकी नहीं कह रहा है कि इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों एक है अब वेद में आया न से प्रतिमा अस्थि तो आया है वो बोल रहा है खुद वेद में अछुक्रम अकायम शब्द आया है परमात्मा का कोई काया नहीं परमात्मा का कोई शरीर नहीं और कुरान का अल्लाह सातवा आसमान पर बैठता है बैठने वाला शरीरधारी होगा या निराकार होगा यह तो खुद विचार कर लेना चाहिए इमरान मिया अब अंधविश्वास पर टीका है या नहीं है इसका मैं हवाला इसी लेख में भी दे रखा हूं आकाश की खाल खींच ली जाएगी सुरैंश का देखो वहां कुरान के अंदर में मैं सारा हवाला दे रखा हूं कुरान से ही मैं प्रमाण दिया हूं अगर जानते हो कुरान या तुम्हारे अब्बू जी जानते हैं तो बाप बेटा मिलकर के देखो और पढ़ो कि वो हवाला क्या दिया गया कहाँ कहां से दिया गया है कुरान में ये बातें है या नहीं है अगर कुरान में ये बातें नहीं है तो महेंद्रपाल हवाला दे रहे हैं महेंद्रपाल के ऊपर कार्रवाई करो और अगर कुरान में है तो मानने वाले तो तुम ही हो भाई अब आसमान का खाल खींच लेना या कौन सी अकलमंदी की बात है कौन सी विज्ञानिक की बात है कौन सी वैज्ञानिक ने आकाश का खाल खींचने को सत माना है या सत मानेंगे आकाश फट जाएंगे जबकि आकाश अनादि तत्व है आकाश को परमात्मा ने बनाया नहीं वो स्पेस है खाली जगह का नाम आकाश है ये इस्लाम वाले नहीं जानते तो अंधविश्वास पर यह आपकी मान्यता टिकी हुई है या नहीं है मैं तो वही हवाला दे रहा हूं मैं तो कुरान से हवाला दे रहा हूं आप खुद विचार करके देखो अब फिर भी आप बके जा रहे हो बोले जा रहे हो और मुंह बना बना करके बोल रहे हो तुमको बोलना भी नहीं आता और तुम्हें यह मालूम ही नहीं तुम यूट्यूब में डाल रहे हो दुनिया वाले देख रहे हैं उसे तो मैंने निवेदन किया कि दुनिया वाले तुम्हारे जैसे अकल से पैदल हैं क्या दुनिया वाले नहीं समझ रहे हैं कि झूठ कहां है सच कहां है दुनिया वाले इसको समझने के लिए तैयार नहीं है क्या कि सत्य कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हो और दोष महेंद्र पाल पर लगा रहे हो यह कौन सी अकलमंदी की बात है भाई मैं तो ये नहीं समझ पाया केवल इतना ही नहीं मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब ये हवाला मैं कुरान से दे रहा हूं और कुरान में ये बातें नहीं है तो फिर मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कुरान में ये बातें हैं जिसे तुम मानते हो आंख बंद करके मानते हो तो यह अंधविश्वास है या नहीं है यह कौन सी अकलमंदी की बात है कि आसमान का खाल खींच लिए जाएंगे और वो अल्लाह ताला खाल खींचेंगे केवल इतना ही नहीं मैं एक दो प्रमाण और देता हूं यद्यपि मैं कई प्रमाण कुरान तुम्हारा तो पड़ा है जहां बोले गो वहीं से मैं उठा करके दे दूंगा कुरान से एक हवाला मैं कई बार दिया हूं फिर भी बता देता हूं कुरान का कहना है औ मर्र अल करियन वही कौल अन्ना यो हिल्ला فأمته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوم أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما سورة بقر آية نمبر 259 दो सौ उनसठ दो सौ साठ ये दोनों जगह इसी प्रकार की बातें पाएंगे आप किस्सा पाएंगे पर ये जो मैं टू फाइव नाइन का हवाला दिया उसमें ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे कहीं किसी गांव से गांव के सारे लोग मर चुके थे छत पर पड़े थे औंधे पड़े थे मरे पड़े थे इब्राहिम ने अल्लाह की तरफ मुखातिब होकर कहा अल्लाह आप इस मरे हुए को जिंदा कैसे करते अल्लाह ने कहा कि यकीन नहीं है विश्वास नहीं है इब्राहिम ने कहा विश्वास तो है किन्तु मैं देखना चाहता हूं अल्लाह ने कहा ठीक है चलो अभी दिखा देते हैं आगे बढ़ो एक पेड़ नजर आएगा और वहां पर तुम अपना वहां हिमारी जहां आया, आया वहां शब्द है माने गधा तुम्हारा जो गधा है उसको उस पेड़ में बांध दो और वहीं बैठ जाओ खाने पीने का सामान जो है वो रख करके उन्होंने आगे चलकर देखा एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बैठा सामान वामान रखा गधा को भी बांध दिया जैसा कि आदेश मिला था अल्लाह का ठंडी ठंडी हवा लगी तो वो सो गए सुबह का वक्त था सुबह का समय था अल्लाह ने उनके रूह निकाल ली और सौ साल के बाद उनके रूह को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया दाखिल करा दिया यह शाम का वक्त था तो जब इब्राहिम जागा अल्लाह ने पूछा कितने दिन से सो रहे हो तो उसने बोले एक दिन भी नहीं हुआ क्योंकि सोने का समय जो था वो सुबह का था अब जागने का समय शाम का है उसने बोला एक दिन भी नहीं हुआ अल्लाह ने कहा एक दिन कह रहे हो तुम तो सौ साल से यहाँ पढ़े हो उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं सौ साल से तुम पढ़े हो तुमने जिस गधा को बांधा था उस गधे की तरफ देखो जिस गधा का बिल्कुल कंकाल बन गया है पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है हड्डी दिखाई दे रहा है जो कल, कल, कलकत्ता म्यूजियम को देखने के लिए गए कोलकाता में जो जादू घर जिसको बोलते हैं म्यूजियम जिसको बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों का ही है भारत सरकार की है उसमें एक तिमिर माछ बंगला में उसको तिमिर माछ बोला है एक मछली का नाम है तिमिर मछली जो समुन्दर में होते हैं ऊट जैसा उसी का ही हड्डी वहां रखा हुआ है ऐसा ही हड्डी बन गया किसका गधे का कौन सा गधा इब्राहिम ने जिसको बांधा था अल्लाह ने कहा देखो इस गधे के ऊपर मैं भी गोश्त चढ़ा देता हूं और खाल भी चढ़ा देता हूं जो सौ साल में गधा का कंकाल बन गया जो गधे का बिल्कुल पिंजर पिंजर दिखाई देने लगा अल्लाह उसके ऊपर खाल और मांस दोनों चढ़ा रहे हैं यानी गोश्त और मांस दोनों चढ़ा रहे हैं लेकिन कुरआनी किस्सा की खूबी ये है गधा का तो कंकाल बन गया किंतु इब्राहिम ने जो खाने पीने का सामान रहा वो सौ साल में भी सड़ा गला नहीं तरोताजा है मैं इमरान यह तो बताओ कि अंधविश्वास किसका नाम है अंधविश्वास जो शब्द है वो किसे कहा जाएगा किसे कहा जाता है सौ साल में जो खाने पीने का सामान सड़ा और गला नहीं खराब नहीं हुआ तो कौन सा फ्रीज रखा था वहां पर जिस फ्रीज के सामान सौ साल में सड़े गले नहीं और हम दुनियादार लोग जो इस फ्रीज, को इस फ्रीज को इस्तेमाल करते हैं वहां सप्ताह भर के बाद ही सामान सड़ने गलने शुरू हो जाता है फ्रीज को भी उसकी सुरक्षित फ्रिज में भी हम उस सामानों को सुरक्षित नहीं रह पाएंगे सप्ताह दस दिन पंद्रह दिन महीना भर और सौ साल सामान तरोताजा है बिल्कुल तो अंधविश्वास इसकी सेवा और क्या है अंधविश्वास किसको कहते हो आप अगर आपके शब्दकोश में कोई अंधविश्वास शब्द है तो बराए मेहरबानी उस शब्द को सामने प्रस्तुत करिए नजरा कि किसको अंधविश्वास कहा जाता है आप तो अंधविश्वासी केवल हिंदू को मानते हैं कि हिंदू लोग मूर्ति पूज रहे हैं पूजते हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी है पर यह आपको पता नहीं कि मूर्ति के अंदर में परमात्मा है मूर्ति तो परमात्मा नहीं है ये वेद भी कह रहा है इस बात को लेकिन मूर्ति में परमात्मा है इसको इस्लाम नहीं जानता और ना जाकिर नायक जानते इस बात को और ना कभी कहा क्योंकि जानेगा तब ना बोलेगा आप क्या जानते हो आओ ना सामने तो अब यहां ये बात कहां तक लागू करोगे आप मूर्ति में परमात्मा है और मूर्ति को परमात्मा समझ करके कोई भी पूजने वाला नहीं पूछता वो मूर्ति में परमात्मा है समझ करके मूर्ति पूजक लोग पूछते हैं तो परमात्मा जब सर्वव्यापक है हमारा वेद कहता ईशा वासम सर्वम त्याग जगत तुम तो अभी कह रहे थे कि ये वेद को जानते हैं कि नहीं रामायण महाभारत को जानते हैं कि नहीं तुमने सुना नहीं होगा हमारा वीडियो जो लगभग तीन दोनों जगह लगा हुआ है उनको सुना नहीं तो सुना नहीं तो मैं ये वेद का हवाला दिया अभी वेद कहता ईशा वासमिदम सर्वम थ किंच जगत त्यांग जगत तेन तेक तेन भुंजी था माँ ग्रधा कषनम की वह परमात्मा निवास करता है हर जगह उससे कोई जगह खाली नहीं है वो जल में स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है समग्र जगह परमात्मा है पर सब जगह परमात्मा तो है लेकिन सब जगह होने के कारण भी वो मूर्ति में है मूर्ति से हम मना नहीं कर सकते मूर्ति में भी है तो इसलिए मूर्ति पूजक परमात्मा उसमें है समझ करके पूछते हैं उसे परमात्मा समझ करके नहीं पूछते ये तुम इस्लाम वाले नहीं जानते इस बात को लेकिन तुम ये बताओ इमरान मिया क्या तुम्हारा अल्लाह सब जगह है अल्लाह सर्वव्यापक है क्या याद रखना अल्लाह को अगर तुम सब जगह मानते हो जर्रे जर्रे में कहने लगते हो जल में स्थल में और गगन में मानने लगोगे तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा दोस्त तुम्हें पता भी नहीं और ना तुम्हारे आका जाकी नायक जानता जिसका फोटो हमें दिखा रहे हो उसने तो तीन बार समय हमें दे करके मुकरा जयेश पटेल के साथ वार्तालाप जो मेरी हुई है मोबाइल के माध्यम से उसको सुनो उस वीडियो को सुनो उस वार्तालाप को सुनने से भी तो पता लगेगा कि क्या क्या हुआ है तो जाकिर नाइक भी इस बात को नहीं जानता है कि अल्लाह अगर हर जगह हो जाए तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा रही बात कि अगर जाकिर नाइक मानता है कि अल्लाह एक जगह है तो भी आफत है सुन लो ध्यान से अल्लाह अगर एक जगह है तो फिर अल्लाह को पैगंबर भेजना क्यों पड़ा पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला और पैगाम किसका अल्लाह का तो अल्लाह जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां अपना पैगाम पेगांग भेजेंगे पैगंबर के द्वारा इससे भी यह जाहिर हो रहा है इसीलिए वेद कहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है उससे कोई जगह खाली नहीं और परमात्मा को योग साधन के बिना कोई नहीं पाता इस संदर्भ में मेरे गुरुवर अमर स्वामी जी ने लिखा है ना भटक तलाश में जा बजा जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं यहाँ के माने हृदय गुफा के अंदर जो हृदय में नहीं है वो कहीं भी नहीं है इसलिए क्या कहा ना भटक तलाश में जा बजा जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं जहां इल तो मालूल है जहां फेल और मफूल है तो फाइल किसी न कबूल है जो यहां नहीं तो कहीं नहीं कुंवर सुखलाल जी लिखते हैं कि मन के मंदिर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करें असली मंदिर तो यही है नकली ठिकाना छोड़ दे इसलिए इन सब चीजों को जानना पड़ेगा तुमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया इसलिए फिर मैं एक शेर और सुना देता हूं जबकि यह शेर बड़ा पुराना है बहुत बार सुना चुका हूं बहुत जगह वीडियो में पा जाओगे एक शराबी था जो शराब का बोतल हाथ में लिए जा रहा था सड़क के ऊपर से सड़क के ऊपर उसके उसे एक मस्जिद दिखाई पड़ी मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं उन लोगों की तरफ मुखातिब होकर के हो शराबी ने कहा कि जाहिद पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठ कर या तो वह जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है वो मस्जिद में शराब पीना चाहता था लेकिन मस्जिद में बैठे हुए लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि मस्जिद में शराब पी क्योंकि मस्जिद में शराब पिया जाना संभव नहीं है कारण मस्जिद अल्लाह का घर है तो जिन लोगों ने मस्जिद को अल्लाह का घर माना उनसे मैंने ये पूछा मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूं है ये मकान किसका अल्लाह तो लाम का है इमरान मिया तुम्हें भी मालूम होगा कि तुम ही अल्लाह को लामा का कहते हो तो जब अल्लाह लामका है जिसका घर द्वार नहीं है तो मस्जिद उसका घर बैतुल्लाह क्यों और कैसे माना है अंधविश्वास कहाँ है सच कहां है आओ जरा मुकाबला करो यही तो कारण बना कि अब्दुल्ला तारीख मुंह बल गिरा तारीख मुर्तजा मुंह बल गिरा मौलाना फारूख खान भी मुंह के बल गिरे जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है यही कारण बना के सामने आने के लिए तैयार नहीं ये सुफीजम वालों को भी 21 अप्रैल को लिख करके दिया ग्रेटर नोएडा आर्य समाज के ओर से तीन विषय उसमें चुना गया तीन विषय रखा गया कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या अलग ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान मानवता का पाठ वेद में है या कुरान में अगर डिबेट करना चाहते हैं तो स्वागत है ये चिल्पो कर रहे थे सुफीजम वाले और वो महेंद्रपाल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं महेंद्र पाल को मुंह तोड़ जवाब करके एक वीडियो बना करके डाला वीडियो बनाया क्या वो तो आलियाबाद में जब हम बैठे थे तो आ, मेरी बातों को हटाकर अपनी बातों को काट काट कर करके वहां डाला ठीक है चलो मुंह तोड़ जवाब दे उसका भी जवाब मैं दे चुका हूं उसी यूट्यूब में लगा हुआ है पर मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जो सवाल किया गया इन सवालों का जवाब आप लोगों के पास है तो लेकर क्या सामने दुनिया वाले भी जाने दुनिया के लोग भी जाने सच कहा है किसके पास है अंधविश्वास कहाँ है किन के पास है अंधविश्वास पर आधारित कौन है केवल इतना ही नहीं मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बैतुल्ला मस्जिद को कहा गया बैतुल्लाह के माने अल्लाह का घर और जिस अल्लाह को आप लामा मानते हो तो मस्जिद में कोई शराब पी नहीं सकता और यह कहना भी इस्लाम वालों के लिए भारी पड़ गया कि मस्जिद में शराब पी ले ये नहीं कह सकता इसलिए इस्लाम वालों के पास इसका जवाब ही नहीं है जवाब अगर किसी ने दिया है तो आर्य समाज के विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने दिया है पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है कि ए रिंद पी शराब तो, तो कहीं पर भी मिलना मुश्किल है ये नहीं जानता इस्लाम वाले लेकिन यहां हुआ क्या जो शराब पीना चाहता था वो तो शराब ही ठहरा उसने देखा अल्लाह को बंटवारा किया कि लोगों ने किसी ने सातमा आसमन पर जाना कुरान वालों की मान्यता है अल्लाह सातवां आसमान पर है बाइबल वालों की मान्यता है अल्लाह चौथा आसमान पर है जो ये हनुमान का सूरज निकलने वालों की मान्यता है कि परमात्मा खीर सागर में है और न मालूम इन विचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डुबो दिया इसलिए उस शराबी ने क्या कहा शराबी ने कहा कि जाहिद ना पीऊंगा शराब मैं मस्जिद में बैठ कर कहीं बोतल तो एक ही है कहीं अल्लाह ना मांग ले क्या बोला दुनिया वालों ने जिस प्रकार से बंटवारा किया है, उसे वो कहीं से हाथ बढ़ाएगा उसे क्या पिलाऊंगा खुद क्या पीऊंगा यही हाल इन हनुमान वालों का भी है पिछले दिन जब कुंभ में इलाहाबाद में कुंभ लगा और उसी बार आया था गुजरात में भूकंप और कुंभ के जितने अखाड़े के आचार्य गण थे उन्होंने अखबार में प्रचार किया उनके सब वक्तव्य आए लेखनी के माध्यम से कई अखबारों में आया कि अखाड़े के आचार्य गण ये कह रहे हैं कि वो भूकंप जो गुजरात में आया उसको तो इलाहाबाद में आना था हम लोग साधक हैं त्यागी और तपस्वी है अपने तब के पल पर गुजरात भेज दिया उन दिनों में मैं एक पत्रिका का संपादन करता था जिस पत्रिका का नाम है ऋषि सिद्धांत रक्षक उस पत्रिका के संपादकीय लेख में मैंने लिखा उन अखाड़े वालों के तरफ मुखातिब होकर उन्हें हाथ जोड़ करके विनती की मैंने कि आप लोग इतने बड़े साधक हैं इलाहाबाद में आने वाला भूकंप को आज आप लोग गुजरात भेज दिए थे 40 किलोमीटर और दूर भेज देते तो पाकिस्तान नहीं चला जाता इसका नाम झूठ है केवल इतना ही नहीं अगर गुजरात में इलाहाबाद में आने वाला भूकंप कोई गुजरात भेजे यह क्यों और कैसा संभव है इसलिए फिर मैं सुनाऊंगा एक शराबी था वो भी एतफाक से के यूं कहा शराबी ने आबिद से एक शराबी एक आबिद से कह रहा आबिद माने इबादत करने वाला उसे क्या रहा है के यूं कहा शराबी ने आबिद से ए आबिद तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला कर देख वरना दो गुट पी ले फिर मस्जिद को हिलता हुआ देख इसलिए इमरान मिया आपको भी पता होना चाहिए कि शराब पीने से मस्जिद को तो हिलता हुआ देखा जाना संभव है लेकिन इबादत के माध्यम से मस्जिद का हिलाया जाना संभव नहीं है इसलिए आइये सत्य के लिए मैं दावत दे रहा हूं सत्य केवल वेद है वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है इस पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ मैं तैतीस वर्षो से यही काम कर रहा हूं इसलिए आपका यह जवाब देना यद्यपि लेखनी के माध्यम से पिछले दिनों मैं जवाब दे चुका था पर आज मैं उजागर इसलिए कर रहा हूँ कि अचानक वो मेरे सामने आ गया है और आपके झूठ के पुलिंदा को मैं उजागर करना समझा जो महेंद्र पाल को आपने झूठ सिद्ध करने का प्रयास किया तो झूठे मैं झूठा मैं हूँ या झूठे आप हैं इमरान मिया अंसारी जी या कोई और जी जरा आप विचार करें चिंतन और मनन करें और हो सके तो मेरे इन वीडियो का जवाब जाकिर नाइक के आपके अब्बू जी हैं आपके आका हैं आपके रास्ता दिखाने वाले हैं कोई है कैसे है ये हो सके तो जवाब उनसे दिलवा दीजिए या किसी और आलिम से दिलवा दीजिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर असलम कासमी मेरे सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए वो उलूल जुलूल बात महेंद्र पाल के लिए कर रहे पर मेरी विधता पर आंच लगाना संभव नहीं हुआ वो असलम कासमी कह रहे वो तो एक इमाम थे तो मैं कब कहा कि मैं इमाम नहीं था मैं इमाम था वो तो संपूर्ण इंटरनेट जगत में है मैं अपने पुस्तक में लिखा हूँ ये सब कुछ बातें हैं ये बागपत जिला के जहाँ के हमारे डॉक्टर सतपाल जी जो एमपी हैं मैं उन्हीं के ही गांव में बड़ी मस्जिद में इमाम था उनका नसोली है मैं बरवाला में था दोनों गांव एक है नसोली बरवाला के नाम से जाना जाता है वहां बड़ी मस्जिद में मैं इमाम था तो इसमें कौन सी नई बात है असलम कासमी ये कह रहे हैं कि ये इमाम थे इमाम के औकात ही क्या है ये दूसरे के घर से भोजन आता था इनका अरे ये भिकमंगा पन तो इस्लाम का है भाई मेरा कहा है <laughs> ये तो तरीका तुम्हारा दिया हुआ था और मैं था उस समय तुम्हारे पास तो ये भिकमंगा पन का काम तो तुम्हारा है तुम हमारे ऊपर इल्जाम क्या लगा रहे हो वैदिक धर्म में वो बातें नहीं है इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं होशियारी के साथ जवाब देना मेरे विद्युता पर हो सके तो आंच लगाओ कहां लगा सकते हो मेरे विद्युता के द्वारा जो किया हुआ मेरे सवाल है उन सवालों का जवाब दो फिर मैं जानू फालतू बात करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है और आप ही डॉक्टर असलम कासमी के ये पहले जो किताब इन्होंने लिखी मेरे नाम से उन्होंने कहा यह बंगाली नहीं है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बंगला ये इतना हिंदी नहीं जानते हैं अच्छा ये बंगाली होकर कितनी अच्छी हिंदी क्यों बोलते हैं अब तक तो उजागर हो गया होगा कि मैं बंगाल का ही रहने वाला हूं मैं बंगला भी जानता हूं बंगला में बहुत सारे वीडियो लगे हुए हैं और बंगला में लेख भी लिखता हूं बंगला पढ़ता हूं बोलता हूं और जब मौका मिलता है तब तो करता हूं बंगाल में हूं तो मैं बंगला बोलता हूं अब हिंदी भाषी इलाके में तो हिंदी बोल रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं इसका प्रमाण तो आपको मिल गया तो झूठा महेंद्रपाल आ रही है नहीं है झूठे आप लोग हो जो आप लोगों के वक्तव्य से लेखनी से मैं ये झूठ जुट सिद्ध कर रहा हूं सच कहां है दुनिया में आ जाओ जरा हम परताल करके देखें कि सच वेद में है या कुरान में इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों के इन जवाबों के इंतजार में हूँ इमरान खान इमरान अंसारी मिया हो सके तो जवाब दो तुम दिखा रहे हो जाकी नाइक को और बोल रहे हो मुंह खींच खींच करके मुंह बना बना करके तुम बोल रहे हो जाकि नायक से जवाब दिलवाते होते ना तब न सत्यवादी कहलाते जाकि नायक का जवाब दिया जाना संभव नहीं है मैंने खुली चुनौती दे रखी है आओ सच्चाई को लेकर के आओ सामने फिर हम एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे परखेंगे और सच कहाँ है उस सत्य धारण करना ही मानवता है इंसानियत उसी का ही नाम है इसको मैं अरबी जुबान में मैं कहा करता हूं खुदू मा सफा वर्गा मा कजर यानी जहां कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना ये है मानवता उस मानवता के दायरे में कौन आता है आ जाओ सामने हम मुकाबला करते हैं हम एक दूसरे को सुनते हैं सुनाते हैं और लोगों के द्वारा लोगों को निर्णायक बना करके इसका पड़ताल करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं